हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा, और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं आईटी के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। यहां तक मैंने 250 प्लस वीडियोस बना चुका हूं और आज भी एक नई वीडियो बनाने वाला हूं ऑन जो मैं एक सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि सर मेरे पास विप्रो और इन्फोसिस का ऑफर लेटर है, बट उन्होंने मेरी ऑनबोर्डिंग डिले कर दी, जिसकी वजह से मैं एक कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर रहा हूं। और क्या अब जब विप्रो इन्फोसिस की ज्वाइनिंग आएगी तब उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। तो भाई इसका एक सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट आंसर दे देता हूँ। इन्फोसिस या विप्रो जो भी आप बोल रहे हो, आप उसको सपोज ज्वाइन करने वाले हो 15 को, एक पर्टिकुलर डेट दे रहा हूँ एग्जाम्पल 15 अप्रैल। आप 14 अप्रैल तक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, समझ गए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 14 अप्रैल तक कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करो, कुछ भी करो। द मोमेंट आपका वो 15 आ गया, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है उस कंपनी में, उस दिन आपका किसी और कंपनी में वर्क नहीं होना चाहिए। नोटिस पीरियड जो चल भी रहा है कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, वो 14 को ख़त्म हो जाना चाहिए। द मोमेंट अगर वो 15 को हो गया तो आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जो आपके पीएफ पोर्टल में, अगर ये प्रीवियस कंपनी की पीएफ उस पे आपका अकाउंट बना चुकी है, तो यहाँ पे आपका जो एंड डेट रहेगा वो 15 आएगा और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट आएगा वो भी 15 आएगा, विच विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। और ऐसे करके मैंने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में खुद एक लड़के को देखा है जिसका खुद का एक हफ्ते का गैप था, बिकॉज उसने वही नोटिस पीरियड किया, वो सामने वाली कंपनी ने उसको बोला नहीं नहीं आप अर्जेंट ज्वाइन करो, इसने कर लिया, तो उस कंपनी ने तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने बोला था अर्जेंट। जब वो बट यहाँ से वो स्विच मारा दूसरी कंपनी में, तो स्टार्टिंग में तो ऑफर लेटर ले लिया, हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू होता है। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात आई तो निकाल दिया, बोलता भाई नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप उस पर्टिकुलर डेट से पहले आप कुछ भी करो, क्योंकि सब कुछ जो पकड़ा जाता है ना वो पीएफ पोर्टल के थ्रू ही पकड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर आपका पीएफ के साथ कोई लेना देना नहीं है तो इट्स फाइन, अगर है लेना देना तो प्लीज़ अपना मैटर उस तारीख ज्वाइनिंग से पहले पहले सॉल्व करवा लो। वहाँ पे नोटिस पीरियड भी है, सब खत्म करवा लो, जो भी करवाना सब पहले खत्म करवा लो, बस ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट नहीं जानी चाहिए, इसी को ही बोलते हैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इस वजह से कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। ये तो चलो एक केस है, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई मेरे पास सपोज एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे इतना काम नहीं है, चलो दूसरी कंपनी में अपना अपना ऑफर लेटर यह सब ले लेता हूँ, इंटरव्यू दे देता हूँ, वो सिलेक्शन हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम आई थी वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे, क्योंकि घर पे बैठ के लोग कर रहे थे, इसी वजह से अभी कंपनीज फोर्स कर रही हैं ऑफिस आओ। तो अभी ऑफिस तुम जाओगे सपोज, अभी हर कंपनी अपना अपना लैपटॉप देगी ना, पर्सनल लैपटॉप पे तो काम नहीं करने देगी। जब आप अपना लैपटॉप लेके दूसरी कंपनी का लैपटॉप लेके ऑफिस जाओगे और आपके डेस्क पे दो लैपटॉप पड़े होंगे, तो आपका मैनेजर या आपका सीनियर पूछेगा ये कहाँ से आया। तो इसी वजह से अभी बैक टू कंपनीज बोल रहे हैं चलो भाई ऑफिस, इसलिए वर्क फ्रॉम होम बंद किया। मतलब बोलते ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बस वही समझ लो। अगर एक कंपनी ने देखा कि भाई ये यहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही हैं, चलो ख़त्म, देना ही नहीं, सबको ऑफिस बुला लो, समझ आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस ज्वाइनिंग से पहले पहले जो भी करना है करते रहो, बट उस तारीख की जिस दिन ज्वाइनिंग है उस दिन पुरानी कंपनी के साथ आपका नाता, किसी भी कंपनी के साथ नाता नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है फिर भी एक आधे दिन का भी क्लैश हो रहा है, तो आप फ्यूचर वाली कंपनी को बोलो कि मुझे 2 दिन बाद ज्वाइन करूँगा। मैं पहले बता रहा हूँ होता है, पॉसिबल सब कुछ है, सिर्फ आपको 2 दिन या 3 दिन पहले एक बार नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, गिव मी सम 2-3 मोर डेज या एक हफ्ता, जो आप भी आपको मांगना वो मांगो, उसके बाद उस कंपनी को ज्वाइन करो, फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये कंपनी तो आपको जबरदस्ती ज्वाइन करवा लेती है क्योंकि उसको चाहिए बंदा, तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम आएगी आगे वाली जिंदगी में, आगे करियर स्विच मारते वक्त, फिर वहां पर तुमको फिर छोटी छोटी कंपनीज में जाना पड़ेगा जो इतना ध्यान नहीं देती। अगर किसी TCS विप्रो प्रॉपर एक MNC को जाके पकड़ोगे जहाँ पे प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज खुद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती, इनकी थर्ड पार्टी रहती है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि कंप्लायंस में आ गया ना, ऑडिट होता है, समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक, चलो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।